हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू राम रोहित शर्मा यूट्यूब चैनल। तो सबसे बड़ा सवाल जो इस टाइम पर बच्चों के मन में चल रहा है, जिन्होंने क्लास टेंथ का बोर्ड एग्जामिनेशन जिनके कैंसिल हुए हैं, और साथ ही साथ क्लास ट्वेल्थ के बच्चे जिनका अभी तक कुछ पता ही नहीं चल पाया कि उनके बोर्ड एग्जामिनेशन कैंसिल होंगे या फिर कंडक्ट करवाए जाएंगे, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन उन बच्चों के मन में आता है, अब क्या करें, दैट इज व्हाट टू डू नाउ। क्योंकि क्लास टेंथ वाले बच्चों के लिए मेरी सीधी सलाह ये रहेगी कि आप क्लास इलेवेंथ में जो आपने स्ट्रीम लेने का ठान रखा है उसकी पढ़ाई आप स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ज़्यादा इंतज़ार मत करिए, ज़्यादा वेट मत करिए, ऐसा ना हो कहीं आप इंतज़ार करते करते सरकार या सीबीएसई का डिसीजन पलट जाए और आपका पूरा का पूरा टाइम वेस्ट हो जाए। इससे बेटर कि टाइम वेस्ट हो, आप अपनी 11th क्लास की पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। 10th क्लास के बच्चों के लिए स्पेशल मेरी डायरेक्ट एडवाइस है, अगर आप पीसीएम लेने वाले हैं, आर्ट्स लेने वाले हैं, कॉमर्स लेने वाले हैं, डजंट मैटर, बट आप स्टार्ट कर दीजिए बेटा, है ना। अगर आप ज़्यादा लेट करेंगे अपनी पढ़ाई को तो वहाँ पर आपका लॉस होगा, किसी और का लॉस नहीं होगा। अब बात करते हैं जो मेन दिक्कत है, क्योंकि 10th वालों का चलो क्राइटेरिया बन चुका है, उनका प्रॉपरली सेट है कि उनका बोर्ड रिजल्ट आने ही वाला है, और जैसा भी बनकर आएगा अब भगवान के ऊपर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है और फाइनली वो अपनी 11th की प्रेप में स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। अब नाउ व्हाट अबाउट क्लास 12 स्टूडेंट्स, उन्हें क्या करना चाहिए? सर हमारा बताओ, सर हम तो कहीं के नहीं हैं। तो क्लास 12th वाले बच्चे मेरी मानो, क्योंकि देखो मुझे गवर्नमेंट या सीबीएसई या किसी भी एक्स वाई जेड ऑर्गेनाइजेशन पर या न्यूज़ पोर्टल पर भरोसा नहीं है कि कौन से सोर्सेज से कौन सी बात सच है, कौन सी बात झूठ है, क्या डिसीजन लिया जा सकता है, क्या नहीं लिया जा सकता है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम होंगे, कैंसिल होंगे, कुछ भी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें दो बातों पर ध्यान देना है बच्चों इस समय पर। द वेरी फर्स्ट इज आपका क्लास 12th के जो जो सब्जेक्ट थे, आप थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए, दिन में 2 घंटा दे दीजिए, 1.5-2 घंटा तो पढ़ ही सकते हो भाई दिन में, कोई भी बच्चा हो, चाहे कमज़ोर से कमज़ोर हो, स्ट्रांग से स्ट्रांग हो, आप दिन में मात्र 2 घंटे दीजिए और 2 घंटे में अपना बोर्ड का हल्का फुल्का रिवाइज करिए, जो चैप्टर आपके फेवरेट है, चाहे बेमन करो यार, करो, कुछ नहीं पता, किसी का भरोसा नहीं, 1 हफ्ते बाद डेट शीट रिलीज होके आ रही है। प्लीज़, मुझे पता है बच्चे कमेंट बोलेंगे सर आप ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो, बट हमको ट्रस्ट इश्यूज हैं भाई, सीधी सी बात है, हमें भरोसा नहीं किसी का भी है, ठीक है ना। तो तुम्हें भी अपने पर भरोसा रखना है, ठीक है ना, सेल्फ ट्रस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ जो क्लास 12th वाले बच्चे कर सकते हैं इस टाइम पर, आप ऊट पटांग हरकतें करने से बेटर है आप अपने स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करिए। स्किल डेवलपमेंट क्या होता है? मान लीजिए किसी बच्चे को स्पोर्ट्स में जाना है, अपनी फिजिक पर ध्यान दो, है ना। आप ये सेटअप करो कि मुझे किस ईयर में कहाँ कहाँ अपने आप को स्ट्रेंथन करना है जिससे कि मैं अपने गोल को अचीव कर सकूँ। नेक्स्ट क्या हो सकता है, जो कॉलेज में पढ़ाई करने के सोचे हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने एंट्रेंस एग्जाम में आपका 11th और 12th का ही सिलेबस आता है, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में उससे बाहर तो आएगा नहीं, 11th 12th हल्के फुल्के से साइड बाय साइड रिवाइज मारो, जो पेपर आपको देना है उसके PYQs मारो, पुराने पूरे उसके पेपर्स, 2019 का पेपर सॉल्व कर दो, 18 का सॉल्व कर दो, 17 का सॉल्व कर दो, 20 का सॉल्व कर दो, खाली मत बैठो भाई ये ट्विटर पर ट्रेंड कराने से। यूट्यूब पर आप लोग सोच रहे हो कि ये XYZ सपोर्ट में अब तो पेपर कैंसिल होने, ऐसा नहीं होता है ना। जो CBSE या गवर्नमेंट, ये इतने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो अपने डिसीजन के बलबूते पर ही आपको बताएंगे कि पेपर होंगे या नहीं होंगे, है ना। ये फालतू ढिमकाना ट्वीट करवाने से सच बता रहा, रियलिटी चेक ये कुछ नहीं होना, कुछ नहीं फर्क भी नहीं पड़ता किसी को, है ना। ट्विटर और गवर्नमेंट के वैसे रिलेशनशिप खराब है, तो ज़्यादा पंगे लोगे, पेपर और करवा देंगे, ट्विटर भी निकलेगा इंडिया से, समझ रहे हो। तो मतलब सरकाज्म अलग साइड, बट मेन बात हमारी ये है कि आप अपनी क्लास 12th की हल्की हल्की रिवीजन करिए। अगर आप पढ़ाई में जाना चाहते हो तो अपने एंट्रेंस एग्जाम्स की PYQs मारिए, या फिर दूसरी तरफ आप क्या कर सकते हैं, दूसरी तरफ अगर आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, सिंगिंग में इंटरेस्ट है, डांसिंग, मतलब ऑब्वियसली बात है मेरे अकॉर्डिंग इस टाइम पर हमें हर एक करियर को इक्वल वैल्यू देनी चाहिए, है ना।
अब हमारे पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि सिर्फ पढ़ाई 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 नहीं, बच्चे के स्किल मैटर करते हैं, है ना। तो आप अपने स्किल डेवलपमेंट पर फोर्स करिए, पूरी जी जान लगाओ यार। अगर तुम बनना चाहते हो ना डांसर या कुछ भी एक्स वाई जेड सिंगर, तो उसके लिए मेहनत करो, बैठे बैठे रिग्रेट मत करो, है ना, मैं ऐसे होता तो मैं ऐसे हो जाता। भाई करो करो, आपके पास इससे बेटर टाइम लाइफ में नहीं मिलने वाला है, लॉकडाउन से बेटर लाइफ में नहीं। इतना फ्री टाइम आपके अपने अपने साथ स्पेंड करने का इससे बेटर टाइम आपको कभी मिलेगा नहीं। तो टेंथ, तो मैं इस वीडियो को फटाफट से सम अप करता हूँ एक बारी। टेंथ वाले क्या करेंगे, टेंथ वाले इलेवंथ का पढ़ना स्टार्ट कर दो, और आपका जो भी गोल है उसके लिए फटाफट से मूव ऑन करिए। और क्लास ट्वेल्थ वाले बच्चे क्या कर सकते हैं कि अपनी दो चीज़ों पर ध्यान देंगे, ट्वेल्थ का हल्का फुल्का रिवीजन करेंगे दिन में 2 घंटा देके, एंड सेकंड अपना स्किल डेवलपमेंट पर फोर्स करिए, है ना। स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान मत दो सिर्फ, फोर्स करो, उसमें दम लगाओ, जी जान लगाओ, उसको बढ़ाओ, उसमें इम्प्रूवमेंट लाओ, अपने आप में एक बेहतर बनाओ अपने आप से। जो 1 महीने पहले आप थे, 1 महीने बाद आप खुद को देखो, आप कहो कि मैंने 1 महीने में इतनी मेहनत करी और मैं अब खुद से आगे हूँ। दूसरे को मत सोचो, भाई उसका तो बिजनेस है, उसने तो बिजनेस समझ लिया, यार काश मेरा बिजनेस होता तो मज़ा आ जाता। भाई अगर बिजनेस नहीं है तो तेरे पास स्किल तो है, टैलेंट तो है, कोई ना कोई तो टैलेंट भगवान ने हर किसी को दिया होता है, आप उस पर इम्प्रूवमेंट करिए। ये आइडिया बहुत बेहतरीन है और काम आएगा। मुझे पता है अभी भी बहुत सारे लोग होंगे जो कमेंट सेक्शन पे आकेंगे, ये तो ऐसे ही फेंक रहा है अपना, भाई ट्विटर पे चलाओ, ध्यान दो, पेपर कैंसिल नहीं होगे तो ऐसे कैसे स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा। वो ज़िंदगी भर सिर्फ यही करते हैं, है ना, वो लोग ज़िंदगी भर सिर्फ कमेंट ही करते रह जाएंगे और बस क्रिटिसाइज ही करते रह जाएंगे, और जो इम्प्रूवमेंट करेंगे दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देंगे वो सक्सेसफुल बनेंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ, टिल देन थैंक यू वेरी मच। और अगर मेरी एक भी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब जरूर मार देना यार। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।